वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू जागृत आवाज आज हम बात करेंगे ऑन अ स्पेशल टॉपिक जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में काफी हद तक कंफ्यूजन रहता है क्या सिर्फ ग्रेजुएशन करना इनफ है मास्टर्स करना जरूरी है क्या अपना करियर मास्टर्स करने से ही बढ़ेगा क्या या ग्रेजुएशन से ही अपना करियर बन पाएगा ये सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको सॉल्व करता हुआ आज का है एक पॉडकास्ट जो कि हमने शूट किया है एट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी विथ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर विथ अस जो आपको नॉलेज देंगे अबाउट वेदर टू डू मास्टर्स अगर आप कर भी रहे हो तो कौन से फील्ड में करना अच्छा है एंड आपका करियर किस हिसाब से ग्रो होगा इफ़ यू डू योर मास्टर्स सो आई वुड लाइक टू वेलकम सर सर मिस्टर सुनील काले सर जो कि हैं डीन ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस एंड ही हैज़ डन हिज Graduation that is his uh, bachelor's degree from IIT Delhi in the field of mechanical engineering. master's and PhD at Stanford University, and he has got an experience of 30 plus years as a professor at IIT Delhi. And presently he is dean over here at School of Engineering and Applied Science. Welcome, sir, and thank you so much for giving your valuable time and sharing the knowledge with us to the platform of Jagrutavas. Welcome, sir. Thank you. Yeah. तो so, आज के जो डिस्कशन रहेगा उसके बारे में आल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ हम अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में हैं जहाँ पे दो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं इनटू द फील्ड ऑफ लाइक फॉर डूइंग मास्टर्स दैट इज़ द वन इज़ ए आई एंड डेटा साइंस दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस द अदर इज़ कम्पोजाइट मास्टर्स इन टू कम्पोजाइट्स सो मास्टर्स की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम ये जानना चाहेंगे प्लेटफॉर्म पे फॉर द स्टूडेंट्स टू हैव द गाइडेंस कि मास्टर्स करना ज़रूरी है इफ़ येस yes, तो क्यों तो so, अपना एजुकेशन अगर आप देखेंगे तो स्कूल के बाद पहली डिग्री होती है बैचलर्स वो चार साल का कोर्स होता है अधिकांश लोग बैचलर्स करके रुक जाते हैं कुछ लोग आगे चल के मास्टर्स पढ़ते हैं और उसमें से भी कम लोग आगे चल के पी करते हैं तो बैचलर्स डिग्री बहुत ब्रॉड बेस्ड है वो आपको बहुत सारे कामों के लिए कामयाब करता है पर उतना रिगर और डेप नहीं है जो टेक्निकली इंटेंस कामों में चाहिए होता है वहाँ पे मास्टर्स करना जरूरी है खास करके कोई रिसर्च करता है डिजाइन करता है डेवलपमेंट करता है कोई नई चीज़ बनाता है उसमें मास्टर्स ग्रेजुएट प्रेफर्ड होता है और नई तरीके की चीज़ें इन्वेंट करना नई नॉलेज बनाना नई नॉलेज यूज करना ये काम करने के लिए आपको पीएचडी करना होता है वो पीएचडी में यू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट ऑल्सो गिव्स यू ओपन सप योर माइंड टू लुक एट मैनी प्रॉब्लम्स इन अ वेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव तो यानी कि बैचलर्स में आपने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा आपको प्रॉब्लम दी गई या आपने सॉल्व किया मास्टर्स में आपको थोड़ा सा लूजली प्रॉब्लम दिया जाता है आपको सोचना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है और पी एच डी में आपको बताया नहीं जाता प्रॉब्लम कि आपको प्रॉब्लम ढूंढ के उसका सवाल निकालना पड़ता है तो इस तरह से आगे चलता है और जैसे रिसर्च होता है जैसे अब इंडिया में ज़्यादा ज़्यादा रिसर्च हो रहा है मेक इन इंडिया हो रहा है उसमें हाई एंड नॉलेज चाहिए उसमें आने वाले वर्षों में मास्टर्स और पी ग्रेजुएट्स की बहुत जरूरत बहुत डिमांड हुआ है ओके सर सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मास्टर्स करना इज डेफिनेटली वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू शो केस योर नॉलेज जब भी किसी कंपनी में वैकेंसीज आती हैं हुँ. तो डेफिनेटली अगर आपने बैचलर्स किया है ना आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स वालों को प्रायोरिटी दी जाती है बिकॉज

टीचिंग एक ऑप्शन है हालांकि मेजॉरिटी मास्टर्स ग्रेजुएट इंडस्ट्री में जाते हैं और जैसे जैसे इंडस्ट्री टेक्निकली मोर कॉम्प्लेक्स और एडवांस होती है तो उसमें वो केवल मास्टर्स को ही लेते हैं तो कई एम टेक प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं दे ट्रेन यू टू डू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेशलाइज जॉब इन इंडस्ट्री बीज अ बैचलर्स कैनॉट डू और अधिकांश लोग क्योंकि इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप ये सोचना कि आप सिर्फ टीचिंग करोगे ये बात ठीक नहीं है इंडस्ट्री में जॉब्स बहुत ज्यादा है एंड दैट विल बी द मेन फोकस ऑफ योर मास्टर्स एजुकेशन सो इसी के साथ सर वुड यू लाइक टू शेयर कि अगर एम टेक इंटू कॉम्पोजाइड करना है जो कि ऑफर होता है इंटू अहमदाबाद यूनिवर्सिटी तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी मतलब कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के कौन से कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर पाएंगे कॉम्पोजिट्स uh, एक uh, बहुत ही यूनिक मटेरियल uh, है और इसके एमटेक में बेसिक नॉलेज कई डिसिप्लिन की आ सकती है अगर आपने बीटेक टेक मैकेनिकल किया है या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मटेरियल साइंस मेटलर्जी इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने बी किया है देन यू कैन कम एंड स्टडी एम टेक देर आर वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन बैचलर्स इन किन्हीं भी फील्ड में हो आप बिल्कुल ही अपने को एनरोल कर पाओगे इन टू कोर्स ऑफ कॉम्पोजाइट ऑफर्ड एट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में भी आएगा एंड इवन आई एम क्यूरियस टू नो वॉट आर कॉम्पोजाइट मटीरियल सर आई वु नो अ डिटेल ऑन टू हाउ आर कॉम्पोजाइट मटीरियल एंड वॉट आर दो पहला सवाल लेते हैं वॉट इज दटीरियल जैसे नाम है कॉम्पोजिट इसका मतलब यह है कि ये दो या तीन अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है तो अब एक सवाल आप कह सकते हैं कि हम क्रोमियम निकल को आयरन में मिक्स करते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनता है तो क्या वो कंपोजिट मटेरियल हुआ वो तो नहीं है कॉम्पोजिट मटेरियल। कॉम्पोजिट मटेरियल ये होता है वेयर यू टेक टू डिफरेंट मटीरियल्स ऑफ वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ put them together and get a new material whose properties are much different from the earlier two materials. तो इसमें दो मेन चीजें हैं जिस तरह से हम कंपोजिट मटेरियल्स देखते हैं एक है फाइबर जो कि या तो ग्लास फाइबर हो सकता है या कार्बन फाइबर होता है तो फाइबर एक बहुत पतला सा धागा है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है टेंशन में तो धागा एक धागे से तो काम नहीं बनेगा इसलिए हम उसका यान बना के फिर उसकी वीविंग करते हैं जैसे कि कोई कपड़े की वीविंग होती है तो ये वोवन मटेरियल बनता है तो इसमें धागे अलग अलग डायरेक्शन में होने से इसकी अलग अलग डायरेक्शन में टेंशन की स्ट्रेंथ आ जाती है पर धागा अगर आपने फैब्रिक बनाया तो अपने आप अप मुड़ता है शेप नहीं ले पाता उसको सेट करने के लिए उस पर रेजिन डालते हैं जो एक केमिकल होता है उसको डाल के जब उसको सुखाते हैं हार्डन करते हैं उसको कोई भी शेप दे सकते हैं तब जाके हमारा कंपोजिट मटेरियल बन जाता है ये कंपोजिट मटेरियल जो बना इसकी स्ट्रेंथ स्टील से कई ज़्यादा होती है और वजन स्टील से काफ़ी कम होता है तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ आपको स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए पर वेट बहुत कम चाहिए इसी कारण कंपोजिट्स बने और आज इनका यूज़ इंडस्ट्री में बहुत बढ़ता ही जा रहा है अच्छा सो so, दोनों ही मटेरियल की एक यू नो पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट को कंबाइन करता हुआ एक मटेरियल जो बन रहा है दैट इज कॉम्पोजाइट मटेरियल अभी इसी का अगर आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे पाओ लाइक स्टूडेंट्स like ने हमने डे टू डे लाइफ में देखा हो ताकि हम रिलेट कर पाए कि हाँ इसे हम कॉम्पोजाइट कह सकते हैं तो सर प्लीज इफ यू कैन शो के सम एग्जाम्पल्स ऑन टू इट तो सबसे कॉमन और वाइट पेड एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिलेगा वो अगर आप कभी हवाई जहाज में गए हो तो आप अगर बाहर जाते हो और हवाई जहाज़ के बॉडी को छूते हो तो वो कोई मेटल नहीं है आजकल कल चालीस साल पहले वो एल्यूमिनियम मेटल का होता था आज बाहर का पूरा बॉडी जो एरोप्लेन का है कितना भी बड़ा हवाई जहाज़ हो इट इज़ ऑल अ कंपोजिट मटेरियल। सेम मटीरियल केस सेम से फाइटर एयरक्राफ्ट और आप अगर स्पोर्ट्स के गुड्स देखें तो अगर आप बैडमिंटन खेलते हो टेनिस खेलते हो स्क्वाश खेलते हो वो सारे रैकेट्स कंपोजिट मटीरियल के बने होते हैं आपने अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को देखा है तो वो अपने बॉडी के ऊपर एक मोटा सा जैकेट पहनते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ बुलेट प्रूफ जैकेट वो भी कंपोजिट मटेरियल का बना होता है स्पीड बोट अगर आपने देखी हो वो भी कंपोजिट मटेरियल की है और कई घरों में भी आप देखते होंगे कि रूफिंग बनता है वो भी कंपोजिट मटेरियल का है कई मेडिकल एप्लीकेशनस हैं जहाँ मेडिकल डिवाइसेस बनते हैं वो भी कंपोजिट्स के बनते हैं तो ऐसे बहुत एप्लीकेशंस हैं और आगे वाले टाइम में ये बढ़ते ही जा रहे हैं और नए एप्लीकेशन बनने वाले हैं तो ये है उदाहरण कंपोजिट मटेरियल्स का ओके सो दिस आर द मटेरियल्स वेरी मच इन न्यूज़ वेरी मच इन डिमांड एंड इसकी डिमांड जैसे कि सर ने बताया इज गोइंग टू इंक्रीज ईच कमिंग डे सो ऑब्वियसली उसकी रिक्रूटमेंट जो कि आप कंपनीज इंडस्ट्रीज करेगी वो यही ढूंढेंगे कि किन्होंने मास्टर्स किया है कॉम्पोज़ाइट में उन्हीं को रिक्रूट करेंगे तो फॉर श्योर द डिमांड फॉर द कोर्स ऑफ एम टेक इन टू कॉम्पोजाइट विल इंक्रीज ईच कमंग Day. And of course, as we have discussed, it's one of the unique courses. Like mm -hmm. India McCoy, or university is not providing M.Tech into Composite. This mm -hmm. is only available at Ahmedabad University, one of its kind. The course is offered here. Mm -hmm. सर इसी के साथ द स्टूडेंट्स वुड लाइक टू नो कि विच वुड बी द इंडस्ट्रीज वुड बी रिक्रूटिंग स्टूडेंट्स द वन हैव डन एम टेक इन टू कॉम्पोजाइट तो कौन सी इंडस्ट्रीज इनको रिक्रूट करेंगी और क्या रहेगी इनकी जॉब प्रोफाइल लाइक वंस द रिक्रूटमेंट इज डन इनकी uh, पूरी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी वहाँ पर रहते हुए वो लोग क्या काम करेंगे सो सर प्लीज़ तो अब जैसे मैंने अप्लीकेशन बताए ये कोई भी कंपनी है जो इसमें रिलेटेड काम करती है दे नीड पीपल विथ आर एक्सपर्टीज इन कंपोजिट्स तो देखिए आप हवाई जहाज का बड़े हवाई जहाज जो आप जिसमें आप ट्रैवल करते हो वो दो ही कंपनी बनाती है बोइंग और एयरबस और आपने अखबार में देखा होगा कि ये दोनों कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगा रही हैं वैसे ही ड्रोन्स हैं वैसे ही अपने इसरो के जो स्पेस क्राफ्ट बनते हैं उसमें कई जगह कंपोजिट यूज़ होता है आप बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करो तो डिफेंस सेक्टर में कई कंपनीज है जो इस तरह के मटेरियल्स बनाती हैं स्पोर्ट्स गुड्स का मैंने पहले जिक्र किया तो ये इसके अलावा आप अगर विंड मिल देखें विंड टर्बाइन अगर आपने देखी है तो उसका पूरा ब्लेड जो 60-70 मीटर लंबा होता है वो एक ही पीस में बनता है कंपोजिट का होता है वो भी तो ऑल दिस कंपनीज हु मैन्युफैक्चर दीज प्रोडक्ट्स एंड मेनी डिफेंस एप्लीकेशंस दे ऑल रिक्वायर तो यह कंपनी को उसे एक साल की कम से कम ट्रेनिंग देनी पड़ती है जिसके बाद वो कंपनी को कॉन्ट्रीब्यूट कर पाते हैं एमटेक कॉम्पोजिट में आपको जॉब के लिए तैयार करके देंगे ओके okay. सो दिस वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव क्योंकि आगे जाके जिस चीज़ों की डिफेंस फील्ड ले लो स्पोर्ट्स की फील्ड ले लो जिस किसी आइटम्स की डिमांड है उन सभी में कॉम्पोजाइट मटेरियल इज बिंग यूज सो एब्सोल्यूटली काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है जो इनको रिक्रूट करेंगे ओस ओके सो इसी के साथ अगर जॉब प्रोफाइल्स को डिस्कस करना है तो क्या रहेगी जॉब प्रोफाइल्स एंड उसके लिए आप स्टूडेंट्स को किस तरीके से आप तैयार करते हो ड्यूरिंग योर एम टेक यू नो टीचिंग ताकि वो लोग अच्छे से अपना यू you नो know, दे कैन वर्क एट देयर बेस्ट वेल दे आर रिक्रूटेड एज एन एम टेकोसाइट हमने जब ये प्रोग्राम डिजाइन किया है तो हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ग्रेजुएट होगा दैट ग्रेजुएट विल भी इंडस्ट्री रेडी यानि कि जैसे ही आपको एम टेक डिग्री मिलती है आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो यू कैन ऑन डे वन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द लाइन ऑफ वर्क ऑफ द कंपनी तो अब कंपनीज में किस तरह के काम होते हैं पहले ये देखते हैं एक तो है डिज़ाइन इसमें कई डिज़ाइन पैकेजेस यूज होते हैं जो कंपोजिट्स के लिए कई स्पेशलाइज पैकेज होते हैं वो है कंपोजिट का डिज़ाइन ही मेटल से बहुत अलग है इसलिए पूरा थ्योरी आपको नए सिरे से पढ़ाया जाएगा दूसरा आता है कंपोजिट्स में बनाने का तरीका विच इज मैन्युफैक्चरिंग अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो कॉम्पोजिट्स का है ये आपको बीटेक में जो मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में पढ़ाया गया था इससे कोई इसका खास ताल्लुक़ नहीं है तो ये पूरे नई तरीके के टेक्निक्स होते हैं जो आपको जो इंडस्ट्री यूज़ करती है हवाई जहाज़ बनाना हो या रैकेट बनानी हो या विंड मिल का ब्लेड बनाना हो तो ये टेक्निक्स आपको सीखने की ज़रूरत है तो हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसको ऐसी स्ट्रक्चर किया है कि पहले आपको डिज़ाइन के लिए तैयार किया जाए साथ साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग इसके जितने वराइटीज है उसके बारे में सिखाया जाता है और प्रोजेक्ट जो होंगे वो कंपोजिट्स में डिजाइन और, और मैन्युफैक्चरिंग मिलकर किए जाते हैं तो एक साल का ये इस तरीके का कोर्स वर्क है उसके बाद एक साल का प्रोजेक्ट है जो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होगा जिसमें आप एक लाइव इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पे काम करेंगे दैट विल मेक यू इंडस्ट्री रेडी कि आप ये भी सीखेंगे कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होना चाहिए आप क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हो आपका क्लिनलीस लेवल क्या है ये सब अगर आप नहीं सीख पाओगे तो आप डे वन पे इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे पर हमारा एम्फोसिस यही है कि आपको ये सब तरीके से तैयार करें ताकि आप सोफिस्टिकेटेड से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कंपनी में आप डे वन से कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाएँ सो ड्यूरिंग द एम टेक कोर्स ऑब्वियसली मैं खुद एक इंजीनियर हूँ तो हाउ मच द प्रैक्टिकलिटी इज इम्पॉर्टेंट आई नो तो एक्सपोजर स्टूडेंट्स को इसी तरीके से दिया जाएगा ताकि उनको कंपनी का भी एक यू नो फिल आ जाए एक एनवायरमेंट मिल जाए कि हाँ अगर मैं कंपनी ज्वाइन करता हूँ इंडस्ट्री को ज्वाइन करता हूँ तो किस तरीके का काम रहेगा द एवरी एक्सपोजर वुड बी गिवन राइट सर ड्यूरिंग द एम टेक प्रोग्राम एंड एनी स्पेशलाइजेशन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर आते हैं क्या इनको लाइक like, सिखाना है फ्राम द इंडस्ट्री तो ये प्रोग्राम में टीचर्स कौन होंगे इसमें एक तो हमारे फैकल्टी है हु आर एक्सपर्टीज इन कॉम्पोजिट्स दूसरे वी आर गोइंग टू हैव मैनी इंजीनियर्स फ्राम अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन विच इज़ द रिक्नाइज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन कॉम्पोजिट्स बाई द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स वो कई वर्षों से कॉम्पोजिट्स के पार्ट बनाते हैं और कई इंडस्ट्रीज़ और जैसे इसरो भी है इनको इन्होंने सप्लाई भी किया हुआ है तो वो इंजीनियर्स भी आपको स्टार्ट करेंगे और उनकी जो लेबोरेटरीज़ हैं उसमें भी आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा इसके अलावा इंडस्ट्री व्यू पॉइंट लाने के लिए देर बी कोर्सेस एंड लेक्चर्स टेकन बाय हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडस्ट्री तो वो आके यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे कि इंडस्ट्री में होता क्या है कैसे होता है तो थ्योरी पार्ट एक तरफ है इंडस्ट्री का प्रैक्टिस भी आपको उसी साथ साथ मिलता जाएगा That shall be really अगर आपको यू नो दिसक सोने पे सुहागा यू आर लर्निंग ऑल द थिंग्स इन टू थ्योरी एंड साथ ही आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वॉट कैन बी बेटर ग्रेट टू नो दैट साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर उनको एडमिशन लेना है एम टेक इन टू कॉम्पोजाइट तो क्या रहेगी किस तरीके की प्रोसीजर रहेगी कौन सी एग्जाम्स को क्वालिफाई करना जरूरी हुँ. है टू हैव द एडमिशन इन टू एम टेक कॉम्पोजाइट इन टू अहमदाबाद यूनिवर्सिटी अब यह प्रोग्राम इतना अलग और इतना इंटरडिसप्लिनरी है तो एम टेक गेट में कॉम्पोजिट का तो पेपर ही नहीं होता तो जैसे मैंने बोला बहुत सारे बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं उसी तरह हमने एडमिशन भी फ्लेक्सिबल रखा है गेट स्कोर होना ज़रूरी नहीं है हम एक रिटर्न टेस्ट लेंगे उसके बाद इंटरव्यू लेंगे फिर एडमिशन करेंगे और कोई लोग अगर हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सोचते हैं कि मेरी थ्योरी अब थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है तो आप चिंता ना करें बेसिक्स जब आपको उतने आते हैं तो आप आ जाइए इसके बाद आप एम टेक कॉम्पोजिट भी आगे पढ़ सकते हो सो यू आर टेकिंग एंट्री स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो मैनी प्रोजेक्ट विल बी स्पॉन्सर्ड बाई इंडस्ट्री तो इसमें इंडस्ट्री का बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमने अभी बिल्ड किया इसमें ओके okay.

so thank you for sharing the knowledge and coming on to the platform of jagrut thank you so if any student's have a doubt hai regarding any of the things related to masters that is mtech into composite you can personally visit ahmedabad university and meet professor kale he'll guide you with the further knowledge if required and whatever you know the structure of the course could be explained इन टू डिटेल आप स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वंस यू विजिट द कैंपस अहमदाबाद यूनिवर्सिटी एंड यू कैन प्रोसीड ओके सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग विल बी कमिंग अवथ मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए ऑन टू द चैनल जागृत आवाज